आज कपवाड़ा के शालूरा में शिक्षा सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में जेडीई कश्मीर प्रमुख अतिथि के रूप में शामिल थे। अध्यक्ष पीएसए कश्मीर और सीईओ कपवाड़ा भी इस सम्मेलन में उपस्थित थे। आज किश्तवाड़ के बॉयज हाई सेकेंडरी स्कूल के छात्रों ने एसीआर किश्तवाड़ के खिलाफ विरोध किया। छात्रों का कहना था कि एसीआर ने नेशनल एंथम का अपमान किया है। उन्होंने कहा कि एसीआर के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बादी में चोटी कटने के मामले बढ़ने से आज बार एसोसिएशन अनंतनाग के अध्यक्षों ने फियाद अहमद की अध्यक्षता में कोर्ट से जिले के हर चौक से होते हुए रैली निकाली। आज प्रोफेसर जेएल कोतवाल की अध्यक्षता में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जानबूझकर बनाई गई नई नीतियों और बाधाओं का विरोध किया। इसके लिए मैं अपील करना चाहता हूं कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन या जो भी एजेंसी ये एनओसी के लिए आर्डर निकालते हैं, उसमें वो जो इफेक्टेड लोग हैं उनका कोई ना कोई मामला ऑर्गेनाइजेशन का होना चाहिए। आज जम्मू के बस स्टैंड के दुकानदारों ने बस स्टैंड जम्मू पर जेडीए के द्वारा चलाए गए एंटी इंक्रोचमेंट अभियान के विरुद्ध में नारेबाजी की। प्रधान रमेश कुमार का प्रेसिडेंट ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन जनरल बस स्टैंड जम्मू, इस वक्त हम बस स्टैंड के जितने भी प्रेसिडेंट हैं, जितने भी एसोसिएशन हैं, हम सभी इकट्ठे हैं और हमने पूरा बस स्टैंड बंद किया हुआ है। जब तक हमारा फैसला नहीं होता तब तक ये बस स्टैंड बंद ही रहेगा। पीसी को सस्पेंड किया जाए और मैडम जो कुसुम सिंह है तहसीलदार, उसका भी सस्पेंड किया जाए। उसने हमारे दुकानदारों के साथ नजायज किया है, हमने उसके हाथ भी जोड़े, पांव को भी हाथ लगाया कि मैडम जी आप ऐसा नहीं कीजिए, और दिवाली का त्यौहार आ रहा है और दिवाली के त्यौहार पर हम हमारे साथ ऐसा मत कीजिए। तो उन्होंने जानबूझ के ये कार्रवाई की। कितने बंदे हैं आपके इंजर्ड? आज पुंछ में चल रहे प्रांत सत्र के वॉलीबॉल टूर्नामेंट में तिरंगे के अपमान का मामला सामने आया, जिसमें तिरंगे को जमीन पर रख उस पर खिलाड़ी व कोच की कुर्सियां देखने को मिली। इसके साथ ही दवज पर जिला सत्र एक खिलाड़ी का चित्र भी रखा गया। जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ताकि आगे से हमारे जो राष्ट्रीय ध्वज है उसका अपमान ना हो। हमने देखा कि यहाँ राष्ट्रीय ध्वज जहाँ लगा हुआ था वो उसके ऊपर कुछ चेयर्स लगी हुई थी और स्पोर्ट्स के प्लेयर्स के फोटोग्राफ लगाए हुए थे, ऐसा नहीं होना चाहिए था। हम चाहते हैं कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी और स्टेट गवर्नमेंट भी इसका संज्ञान लें। वहीं आज कश्मीर के केंद्रीय विश्वविद्यालय के छात्रों ने नौगाम कैंपस में भी घाटी में बढ़ती हुई चोटी वाली घटनाओं के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के कर्मचारियों ने दूसरे दिन भी अपनी हड़ताल जारी रखी, जिसमें संयुक्त निदेश सूचना कश्मीर के लगाव आदेश के तुरंत निरसन की मांग की गई।